हाईएस्ट ब्रिज इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। इस चैनल पर आपको इंजीनियरिंग, साइंस, स्पेस से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे टाइप्स ऑफ ब्रिज वाले वीडियो में चेनाब रेलवे ब्रिज के बारे में तो जरूर सुना होगा, आज मैं उसी ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ। चेनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरों के लिए एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी परेशानियाँ आने वाली थी, लेकिन सारे इंजीनियर्स ने इस इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके दिखाया। चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जिसकी हाइट 359 मीटर है, जो कि फ्रांस का एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर 315 मीटर है। इस ब्रिज के दोनों एंड पर स्टेशन हैं। यह ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है, जो एक स्टील आर्क ब्रिज है। यह ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा का सामना करने में सक्षम है। भारत में पहली बार DRDO के परामर्श में किसी ब्रिज का डिजाइन किया गया है। चेनाब रेलवे ब्रिज भूकंप को झटकों को रोकने में सक्षम है। इस ब्रिज का कार्य कोंकण रेलवे के माध्यम से अफकॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। चेनाब रेल ब्रिज को मूल रूप से दिसंबर 2009 में ही पूरा करने का इरादा था, लेकिन सितंबर 2008 में ब्रिज के सुरक्षा को लेकर आशंकाओं के कारण कार्य को रोक दिया गया था। लेकिन 2010 में ब्रिज पर काम फिर से शुरू हुआ और इस बार इस कार्य को 2015 में पूरा करने का इरादा था, लेकिन 2015 में भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ। DRDO ने बिसेल्स स्टील का उपयोग करके इसे ब्लास्ट प्रूफ के रूप में डिजाइन किया है। इस ब्रिज में भूकंपीय स्पेक्ट्रा IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। अप्रैल 2021 में चेनाब रेल ब्रिज का आर्क पूरा हो गया था और दिसंबर 2022 में रेल यातायात के लिए इसे खुलने की उम्मीद है। 1486 करोड़ में निर्मित चेनाब रेल ब्रिज का उद्देश्य कश्मीर घाटियों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह सिविल इंजीनियरों का बेमिसाल नमूना है। रेल मंत्रालय के अनुसार इसे वर्तमान इतिहास में भारत के सभी रेल परियोजनाओं के सामने सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग चुनौती कहा जाता है। साथ ही इस ब्रिज को इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।